Everyone, welcome back to my channel. today we will discuss about anaerobic power and capacity testing. So the various tests we use for testing the anaerobic power and capacity include vertical jump test, Wingate cycle ergometer test, Rast Illinois test, and lastly T test. So first we will discuss about the vertical jump test. So it is also known as and jump test, and it assesses explosive peak anaerobic power. तो पावर होती है जैसे एरोबिक पावर होती है ऐसे देयर इज एनोरोबिक पावर आल्सो ये बेसिक चीज़ है ठीक है तो जब हमें एन एरोबिक पावर यानी कि विदाउट ऑक्सीजन में जहाँ पावर प्रोड्यूस होती है उसकी टेस्टिंग करनी होती है तो ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की टेस्टिंग होती है क्योंकि एनोरोबिक पावर होती है ये तो इसमें हम अलग अलग टेस्ट यूज़ करते हैं सो द फर्स्ट टेस्ट वी आर डिस्कसिंग इज द वर्टिकल जंप टेस्ट तो ये क्या चेक करता है हमारा पीक एनोरोबिक पावर अब इसका प्रोसीजर क्या होता है टेस्टिंग का हम कैसे टेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं जैसे नाम से समझ आ रहा है हम वर्टिकल जंप करने को कहते हैं टू द एथलीट यूजुअली ये टेस्टिंग हम एथलीट्स में यूज करते हैं ठीक है तो हम क्या करते हैं थेरेप पेशेंट को बोलेंगे कि आप एक सेमी क्राउच्ड पोजीशन ले लो ठीक है क्राउचिंग की पोजीशन ली उसने सेमी क्राउच पोजीशन की और जितना लंबा वो वर्टिकली जंप कर सकता है उतना द सब्जेक्ट जम्प्स ठीक है इस्टेब्लिश दै स्टैंडिंग रीचिंग हाइट द इंडिविजुअल स्टैंड जस्ट टू अ वॉल रीचिंग हाई अप एज पॉसिबल ठीक है मार्क द डिस्टेंस एंड मेजर इट पहले आपने एथलीट को वॉल के साइड में खड़ा किया आपने उसको बोला कि अपना हाथ ऊंचा करो जितना ऊंचा उसका हाथ जा सकता है ठीक है विदाउट जंपिंग आपने मार्क द डिस्टेंस किया वहाँ पे ठीक है देन ही बेंड्स द नीज टू नाइन्टी डिग्री कम्स इन सेमी क्राउच पोजीशन एंड देन वो एकदम से जंप लेता है और ऊपर अपना हाथ पुट कर देता है आप वहाँ पे वो पॉइंट नोट करते हो आप वहाँ पे एक और मार्क लगाते हो एंड देन यू मेजर द डिस्टेंस एंड देन यू कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ द टू डिस्टेंसेस फर्स्ट वाज़ विदाउट जंप एंड द सेकेंड आफ्टर द जंप ठीक है तो वी विल गेट पी एनोरोबिक पावर आउटपुट तो इट इसको हमने शॉर्ट में क्या बोला पी ए पी डब्ल्यू तो इसका ये फॉर्मूला होता है ठीक है हेयर वी जे इज वर्टिकल हाइट का जो डिफरेंस आया है जो हमने कैलकुलेट किया है इन मीटर्स ठीक है एंड बी डब्ल्यू इज़ बॉडी वेट इन के और ये जो आपके सिक्सटी पॉइंट सेवन फोर्टी फाइव पॉइंट थ्री टू जीरो फाइव फाइव ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं स्टैंडर्ड्स हैं ये ऐसे कैसे ही रहेंगे एंड देन यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड देन यू विल गेट पी ए पी डब्ल्यू सो दिस इज़ द स्कोरिंग फॉर इट सॉरी दिस इज द स्कोरिंग वेरी गुड इज ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी एट इंचज एंड बिलो एवरेज इज twelve टू sixteen inches ना ऑन द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस वर्टिकल जम्प टेस्ट इज द जस्ट जम्प टेस्ट तो इसमें क्या करते हैं हम एक स्क्वायर मैट ले लेते हैं ठीक है जो यूजली ट्वेंटी सेवन इंटू ट्वेंटी सेवन इंचज़ का होता है सो so, जो एथलीट होता है वो उसके ऊपर खड़ा होता है एंड ही जम्प्स ऑन दैट मैट अब इस मैट में ऐसी क्या विशेषता है क्वालिटीज होती हैं बच्चों की इट हैज़ माइक्रोस्विच एम्बेडेड इन इट तो इसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं इन द मैट विच आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर तो जैसे ही आप जंप करोगे इसके ऊपर तो ये फ्लाइट टाइम मेजर कर लेता है ठीक है दी इंटरवल बिटवीन द लिफ्ट ऑफ जैसे ही आपका फ़ीट लिफ्ट होगा ग्राउंड पे से और जैसे ही आपका फीट आएगा वो ये मेजर करेगा तो व्हाट इज़ दिस मेजरिंग ये आपका मेजर कर रहा है टाइम कि कितने टाइम बाद आपने आ रहे हो वेर आज जो वर्टिकल जंप टेस्ट था वो आपका डिस्टेंस मेजर कर रहा है सो इट हेल्प्स टू कैलकुलेट हाइट ऑफ द जम्प एंड इट इज़ मोर प्रिसाइज एंड एफिशियट द नेक्स्ट टेस्ट वी आर गोना डिस्कस अबाउट इज द विंगेट साइकिल अर्गोमीटर टेस्ट सो ये भी एनोरोबिक पावर एंड कैपैसिटी की टेस्टिंग कराता है और इसके लिए हमें एक मकैनिकली ब्रेक्ड साइकिल अर्गोमीटर चाहिए होता है प्रोसीजर में पहले एथलीट को हमने वार्म अप कराया थ्री टू फाइव मिनट्स का ऑन दैट साइकिल ठीक है एंड देन हम एक उसमें रेजिस्टेंस होता है ठीक है रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ फॉर एग्जांपल आप साइकिल चला रहे हो ठीक है स्टैटिक साइकिल ठीक है आई होप आपको क्लियर होगा स्टैटिक साइकिल क्या होता है जिनको नहीं है उनके लिए मैं बता देती हूँ वो साइकिल जो कि एक जगह पे रह के ही आपको सिर्फ उसमें पेडलिंग करनी होती है इट डजेंट मूव ठीक है तो स्टैटिक साइकिल होती है एक तरीके की है और इसमें रेजिस्टेंस का क्या मतलब हुआ हार्डनेस कि अगर मैं पैडल कर रही हूँ तो अगर जैसे मान लो फॉर एक्जाम्पल कभी जब हम साइकिलिंग करते हैं नॉर्मली तो हम उसमें तेल लगाते हैं ठीक है स्टेटिक साइकिल के ऊपर कि वो अच्छे से उसका जो मतलब वो अटक अटक के ना चले, वो स्मूदली उसका पेडलिंग हो सके ठीक है तो इसमें हमने क्या किया है जो रेजिस्टेंस होता है यानी कि वो फ्रिक्शन जो आता है जो हमें पेडलिंग करने में फिर प्रॉब्लम होती है वो रेजिस्टेंस हमने फिक्स कर दिया है यहाँ पे, ठीक है एंड इलेक्ट्रिक मशीन कंटिन्यूसली रिकॉर्ड्स फ्लाई व्हील रेवोल्यूशन इन फाइव सेकेंड इंटरवल तो रेजिस्टेंस हम कितना देते हैं नॉर्मली जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव पर के जी बॉडी वेट तो अगर एक सेवेंटी के जीज़ का इंडिविजुअल है तो उसका रेजिस्टेंस हमें कितना लगाना है फाइव पॉइंट टू फाइव के जी स्कोरिंग पीक पावर आउटपुट की इज़ फोर्स एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम फोर्स इज द रेजिस्टेंस जो हमने सेट किया है डिस्टेंस इज रेवोल्यूशन इं टू डिस्टेंस अपॉन रेवोल्यूशन एंड टाइम इज टोटल ड्यूरेशन एनोरोबिक कैपेसिटी इज़ फोर्स इंटू टोटल डिस्टेंस ऑल फाइव सेकेंड्स का इंटरवल न होता नेक्स्ट इज द इलनॉइस टेस्ट तो इसके लिए आपको क्या चाहिए नॉन स्लिपरी सर्फेस हो कॉन्स स्टॉप वॉच एंड दी मेजरिंग टेप तो इसमें देखो बच्चों कुछ इस तरीके से हम सेटअप करते हैं तो दिस इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन तो आप देख रहे हो सबसे नीचे स्टार्ट पॉइंट है वहाँ पे एक कोन है फिर उसके ऊपर एक कोन है एरोज आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे ठीक है तो जो इसकी लेंथ है दैट इज़ टेन मीटर्स और जो विथ है वो फाइव मीटर्स आप देख रहे हो बीच में भी हमने कॉन्स प्लेस किए हैं जो कि हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ थ्री पॉइंट थ्री मीटर्स ठीक है 3. 3 meters, तो जो ए पोजिशन है एक तरफ स्टार्टिंग पोजिशन है और उसी के अपोजिट साइड आपकी फिनिश पोजिशन है ठीक है तो आप स्टार्ट पोजीशन पे पेशेंट की पोजीशन क्या होगी ही विल बी इन प्रोन लाइन पोजीशन जैसे ही आपने कमांड दी गो तो वो उठेगा वो सामने वाले कोन की तरफ जाएगा देन ही विल कम बैक और ये जो फोर कॉर्स हैं इनके बीच में जिगजैग जिग्जैक होता हुआ ही विल कम अगेन देन ही विल गो टू दी अपवर्ड कोन ठीक है फिर वो दोबारा फिनिश लाइन पे आएगा और हमको क्या करना है हमको सिंपल इसका सिर्फ टाइम रिकॉर्ड करना है ठीक है ये सारे स्टेप्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं स्कोरिंग मेल्स के लिए अलग है एज यूजल फीमेल्स के लिए अलग है एक्सेलेंट इज लेस देन फिफ्टीन पॉइंट टू सेकेंड्स इन मेल्स एंड लेस देन सेवनटीन सेकेंड्स इन फीमेल नीड इंप्रूवमेंट इज मोर देन एटीन पॉइंट थ्री सेकेंड्स इन मेल एंड मोर देन ट्वेंटी थ्री सेकंड इन फीमेल अनदर टेस्ट इज दी टी टेस्ट सो इट इज़ यूज टू मोनिटर एजिलिटी एंड दी एबडोमिन स्ट्रेंथ इसके लिए इक्विपमेंट्स क्या चाहिए कोन्स स्टॉप वॉच फ्लैट सर्फिस एंड अ मेजरिंग टेप तो इसका हमने क्या डा क्या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगी देयर विल बी अ पॉइंट ए विच बी विच विड बी टेन मीटर्स ठीक है फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी विच विल ऑल्सो बी ऑफ टेन मीटर्स उसको हमने डिवाइड कर दिया है फाइव मीटर्स टू द राइट साइड एंड फाइव मीटर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द वर्टिकल लाइन ठीक है अब जो एथलीट है उसको बिगेन करना है पॉइंट ए एंड बी आपको दिख रहे होंगे एंड देन वी हैव पॉइंट सी एंड डी तो एथलीट ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ अब इन चारों पॉइंट्स पे कौन रखा है ठीक है एथलीट स्टार्ट हुआ ठीक है ए पे गया वो फिर वो बी पे गया वहां पे उसने बी पे अपनी पोजीशन ले ली फिर, से जाके. फिर वो क्या करेगा? करेगा सीधा नहीं भागेगा साइड शफल करेगा गो टू सी वहां पर वो कौन को टच करेगा ठीक है पॉइंट डी देन ही टन विथ हिज राइट हैंड ठीक है फिर वो दोबारा बी पोजीशन पे आएगा एंड देन ही विल कम बैक टू दी ए पोजीशन आपको क्या करना है टोटल टाइम नोट करके रखना है आपको ठीक है दिस इज द इन प्रोसीजर कि हमें क्या फॉलो करना है फॉर टी टेस्ट स्कोरिंग हम टाइम नोट कर रहे हैं इसका एक्सेलेंट इज लेस देन इलेवन पॉइंट वन सेकेंड एंड नीड इम्प्रूवमेंट वेरी बैड परफॉर्मेंस विल बी सीन ऑन इंडिविजुअल्स हु हैव मोर देन फोर्टीन सेकेंड स्कोर इन इट लास्ट इज द रनिंग बेस्ड एनोरोबिक स्प्रिंट टेस्ट दैट इज लास्ट तो ये भी हमारा एनोरोबिक पावर टेस्ट कर रहा है ड्यूरिंग रनिंग क्योंकि एनोरोबिक हमारी कब शुरू होगी जब एकदम हम स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियल फेज जो होता है वो हमारी एनोरोबिक पावर का होता है शॉर्ट ड्यूरेशन का इक्विपमेंट स्टॉप वॉच मेजरिंग टेप एंड कोन्स वी रिक्वायर ठीक है अब इसका क्या प्रोसीजर होता है तो जो कोन्स हैं वो हमने थर्टी फाइव मीटर के डिस्टेंस पे प्लेस कर दिए ठीक है मान लो एक कोन मैंने रखा यहाँ पे और उसके पैंतीस मीटर दूर मैंने एक और कोन रख दिया इन द स्ट्रेट लाइन ठीक है तो इसमें क्या करना है सिक्स स्प्रिंट्स लेनी है एथलीट uh, को ठीक है विथ टेन सेकेंड रिकवरी बिटवीन ईच स्प्रिंट जैसे उसने एक स्प्रिंट ली फिर टेन सेकेंड रिलैक्स किया फिर वो भागेगा सेकेंड स्प्रिंट लिया फिर टेन सेकेंड का रेस्ट किया ऐसे उसे करना है सिक्स टाइम्स देन सब्जेक्ट स्टार्ट जैसे हमने गो बोला ही विल रन ही विल रन टू दी अपोजिट एंड जहाँ पे दूसरा कौन रखा है और इसको उसे सिक्स टाइम्स रिपीट करना है जैसे कि मान लो दो कौन रखे मैंने ए और बी Uh, उसने ए से स्टार्ट किया वो बी पे गया बी पे जाके रुक गया दस सेकेंड के लिए फिर वो वापस आएगा ए पे दोबारा फिर वहाँ गया दस सेकेंड के लिए रुक गया देन हिम विल अगेन गो टू पोजीशन बी भाग के फिर दस सेकेंड रुक गया फिर वापस आएगा ए पे दस सेकेंड वेट किया फिर भाग गया दोबारा बी पे ऐसे उसे कितनी बार करना है सिक्स टाइम सो दिस इज द लास्ट ठीक है अब इसकी स्कोरिंग क्या होगी पावर इज वेट इन डिस्टेंस अपॉन टाइम का क्यूब डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन टाइम का क्यूब तो डिस्टेंस तो हमारा फिक्स है कितना सिक्स मीटर्स है ना सॉरी थर्टी फाइव मीटर्स क्योंकि उसको सिक्स टाइम्स प्रिंट करना है उसमें तो डिस्टेंस का हमने स्क्वायर uh, कर दिया सिक्स अगर के तो इट विल बी वन टू टू फाइव वेट आप नोट कर लोगे टाइम टू द नियरेस्ट सेकेंड उसका आप क्यूब कर लोगे तो आपको उसका स्कोरिंग मिल जाएगा कि उसका पीक पावर कितना है so these are the tests which we use to test the anaerobic power and capacity. usually these testing uh, are done in athletes, So, jo individual who play athlete, ya sports physiotherapy, mein, we will do these kind of testing. however, it is not necessary. that it is restricted to only sports physiotherapy or, you know, to only athletes or only Ham normal population may be a test kar sakte hai, but these are more, you know, dedicated to them. so hope you are able to understand through my videos. thank you.